हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसटेट का एक रिजल्ट अब आने वाला है या नहीं है, लोग कंफ्यूजन में है। यहाँ पे एक ऑडियो आया है फ्रॉम संदीप कुमार, प्लीज लिसन टू इट। ओ मुद्दा भी नीरज हार जाएंगे, अगर 22 को कोर्ट खुलेगा तो नीरज की हार लगभग तय है। नोटिफिकेशन में साफ शब्द में लिखा हुआ है कि जो जिस विषय से होगा उसी विषय से निर्दिष्ट विषय वस्तु से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का, और 50 नंबर में तो सबका पता था रीडिंग रहेगा, जीके रहेगा, जीके रहेगा, सब रहेगा उसमें। तो बिल्कुल उस क्वेश्चन से जैसा है। तो नीरज जी जो केस किए हैं उनका मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है केस क्वेश्चन साइलेबल से बाहर आया। तो नीरज बाबू, आपको जानकारी होना चाहिए, आप सोशल साइंस के स्टूडेंट थे तो आपको सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया जिस विषय वस्तु से। नीरज बाबू, आपके ग्रुप में जो केस किए हैं, जो लोग मैथ से क्वेश्चन फॉर्म भरे हैं, हम मैथ का सब्जेक्ट वाले हैं, उनको मैथ का ही क्वेश्चन निर्दिष्ट विषय वस्तु से पूछा गया। नीरज बाबू, अगर आपके ग्रुप में साइंस का स्टूडेंट है और केस की आपकी फेवर में, तो नीरज बाबू उस साइंस का ही क्वेश्चन निर्दिष्ट विषय वस्तु से पूछा गया है। आपको अगर 22 तारीख को ऊपर भी कोर्ट तो आप पूरी तरह से मुंह के खाएंगे, निकाल जाएंगे। अरे भाई सोचिए मित्र, जिस जिस वस्तु से अगर फार्म भर रहा है, अगर मैथ का फार्म भर रहा है स्टूडेंट, मैथ चार्टर का फार्म भर रहा है, पहला बीएससी से मैथ किया वो फार्म भर रहा है, बीएससी से केमिस्ट्री किया था वो मैथ का फार्म भर रहा था, बीएससी से फिजिक्स किया था वो मैथ का फार्म भर रहा था, बीएससी से अगर इंजीनियरिंग प्लस बीएड किया था वो मैथ का फार्म भर रहा था। देखिए यहाँ पे आपको अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो कहता है मुझे मैथ नहीं आया है, मुझे केमिस्ट्री नहीं पूछा है, मुझे मैथ आ गया है। अरे भाई केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, तू मैथ का एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा था ना कि साइंस का, तो साइंस में ना केमिस्ट्री फिक्स पूछेगा। तुम तो खुद पहले देखे नोटिफिकेशन पढ़िए मित्र, नोटिफिकेशन उसमें साफ लिखा है कि जिस विषय वस्तु से जिसने फॉर्म भरा है बिल्कुल उसी निर्दिष्ट विषय वस्तु से क्वेश्चन पूछेंगे। तो नीरज जी आपका केस निराधार है, झूठी बरगलाने की आपने कारखाना खोला है और आपकी हार 100% तय है, मैं लिख दिया हूँ।